नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप नर्सरी स्टाइल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, ये बिल्कुल जो है बिगिनर्स के लिए अच्छा है। जो गार्डनिंग शुरू किया है या तो शुरू करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये जो वीडियो है मतलब अच्छा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा इंचिंग के बारे में और दूसरा जो है प्रूनिंग के बारे में, क्या है सॉफ्ट प्रूनिंग, क्या है हार्ड प्रूनिंग, और नेक्स्ट जो है वो कटिंग्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जानकारी अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप नर्सरी स्टाइल, अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत उसको नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो है मैं आपको पिंचिंग के बारे में बताऊंगा। तो किसी भी पौधे को अगर आप उसको बुशी बनाना चाहते हैं और उसको जो है एक शेप देना चाहते हैं, पौधा ज़्यादा बड़ा ना हो, तो इसीलिए जो है उसको पिंचिंग करने से वो पौधा जो है और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस उसमें से ग्रो होता है, बहुत सारा ब्रांचेस होता है तो वो पौधा जो है एक बुशी आकार ले लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होता है, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी उनमें से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है मेरा जिंटी का फ्लावर। तो पिंचिंग जो मतलब जो शुरुआत की दो जो लीव्स है उसको जो है हम इसको ऐसे करके जो है पिंच कर देते हैं। देखिए ये दो उंगली के सहारे जो कि आप ये दो पत्ता जो मतलब ऊपर का है उसी को आप तोड़ देते हैं, तो इसी का नाम जो है पिंचिंग बोला जाता है। तो आप किसी भी प्लांट को बुशी बनाने के लिए, उसका एक शेप देने के लिए आप ये पिंचिंग को अंजाम दे सकते हैं। तो उस क्रिसेंथेमम पौधे को जो है बुशी बनाने के लिए आप इस पिंचिंग का अगर उपयोग करेंगे, पिंचिंग उसको ठीक ठाक करेंगे तो आपका पौधा जो है बुशी बनता है और बहुत सारा फूल आप उनमें से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा प्रूनिंग के बारे में, सब प्रूनिंग क्या होता है और हार्ड प्रूनिंग क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी पौधा जब आप देख रहे हैं कि बहुत हद से ज़्यादा मतलब वो बढ़ जाता है, अगर आप पॉट में ग्रो करते हैं तो शेप में रखना, पौधा शेप में भी रखना पड़ता है पौधे को ताकि वो अच्छा लगे। बहुत सारा ब्रांचेस अगर निकलता है तो वो पौधा जो है बुशी बनता है, तो इसीलिए जो प्रूनिंग कर देते हैं। तो प्रूनिंग में जो है दो भाग होता है, एक है हार्ड प्रूनिंग और दूसरा जो है सॉफ्ट प्रूनिंग। तो मैं इसी पौधे को जो है, देखिए ये पौधा जो है ये जट्रोफा का प्लांट है, तो देखिए ये पिछले साल मैंने इसमें प्रूनिंग किया था। देखिए यहाँ तक, यहाँ से मतलब जो है ब्रांचेस निकला और देखिए ये कितना मतलब बढ़ चुका है, कितना लंबा हो चुका है। तो ऐसे अगर ये बढ़ता रहेगा तो ये जो पौधा है बहुत ज़्यादा लंबा होगा लेकिन बूसी नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों इसलिए जो है इसको हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है। तो हार्ड प्रूनिंग मतलब इसको जो है बिल्कुल मतलब नीचे की मतलब जो स्टेम है ये बिल्कुल नीचे से इसको स्टेम को जो है कट कर देना है। तो ऐसे करके जो है इसको हार्ड प्रूनिंग हम कर देंगे तो इसी में स्टेम्स, ये जो कटिंग किया, जहाँ से ये जो कटिंग कहाँ जहाँ से किया, ये कटिंग से ही मतलब कहना और ज़्यादा इसमें से ब्रांचेस निकलेगा और इस ब्रांचेस मतलब कहना बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, एक एक में से तीन तीन चार चार या तो दो दो तीन तीन कम करके निकालेंगे, कम से कम दो दो तीन तीन अगर निकल जाएगा तो ये मतलब बुशी भी बन जाएगा, बहुत सारा ब्रांचेस और निकलेगा और हाइट भी इसका मेंटेन रख पाएंगे। तो ये इसके कारण जो है हम इसको हार्ड प्रूनिंग करते हैं, तो इसी का नाम जो है दोस्तों हार्ड प्रूनिंग है। नेक्स्ट दोस्तों जो मैं आपको दिखाऊंगा जो कि सॉफ्ट प्रूनिंग है, तो जिस पौधे को जो है थोड़ा सा मतलब कहना आपको इसको प्रूनिंग करना है, थोड़ा सा कटाई छटाई कर देना है, तो उसी का नाम जो है सॉफ्ट प्रूनिंग। जैसे मतलब ये पौधा देखिए दो तीन ब्रांच जो है इसमें कुछ ज़्यादा लंबा लंबा हो रहा है, ये रात की रानी पौधा है, देखिए इसका फ्लावरिंग जो है अभी ख़त्म हो गया है और ये मतलब ये लेगी लेगी सा हो रहा है, तो इसी को जो है थोड़ा सा थोड़ा करके जस्ट इसको मतलब कम जो है इसको थोड़ा सा जो आगे का पोर्शन है इसको थोड़ा सा सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे, तो इसी का नाम जो है दोस्तों इसका सॉफ्ट प्रूनिंग बोला जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है इसको हम प्रूनिंग कर देंगे, ऐसे करके मतलब थोड़ा सा प्रूनिंग कर देंगे, तो इसी का नाम जो है दोस्तों ये सॉफ्ट प्रूनिंग है। तो हल्का प्रूनिंग जो है छोटा छोटा करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो है ऊपर से मतलब आप थोड़ा सा कट कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं कि सॉफ्ट प्रूनिंग। दोस्तों नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगा कि कटिंग्स क्या होता है। कटिंग से दोस्तों
मतलब पौधे का जो है हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक पौधे से दूसरे बहुत सारा पौधा हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये जो जो मेरी गोल्ड का पौधा है, देखिए ये मैंने कटिंग से डाला था। तो कटिंग्स डालना जो है, आपको कटिंग्स लेना है जिस पौधे का, तो जो कटिंग्स है तो ऐसा मतलब कहना ठीक ठाक कटिंग्स लेना है, ताकि वो कटिंग्स आपका मतलब बच जाए और कटिंग से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरे पौधे दूसरा पौधा। तो एक तो जो है दोस्तों ये देखिए, ये है मतलब कहना जो ये है, जैसे आप मैं इसका अगर कटिंग्स लूँ तो ऐसा ही मतलब कहना कटिंग्स जिस पौधे का लेते हैं तो उस पौधे का मतलब क्या है, कैसा उस पौधा कैसा है और कैसे उसका कटिंग्स लेना है, तो इसको थोड़ा सा मतलब जो है आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे जैसे ये कोलियस है, तो आप कोलियस को देख रहे हैं, इस कोलियस को जो है थोड़ा सा आप 2-3 इंच का एक कटिंग्स भी आप अगर आप ले लेंगे तो इसको छोटा सा एक कटिंग्स, जैसे ये मैंने कटिंग्स ले लिया, तो ये कटिंग्स जो है आप किसी भी सॉइल में आप इसको डाल दीजिए, ऐसे करके जस्ट ऐसे डाल दीजिए, देखिए ऐसे डाल दीजिए, तो ये जो कटिंग्स है आपका ग्रो हो जाएगा। तो ये जो पौधा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप इसको कटिंग्स लेंगे। जैसे आप गुड़हल का कटिंग्स है उसको अगर कटिंग्स डालना चाहते हैं तो फिर वो कटिंग्स जो है थोड़ा सा मतलब कहना जो स्टेम है थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो कटिंग्स डालना मीन्स किसी पौधे को जो है मल्टीप्लाई करना है, और याद रखना है जिस प्लांट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो प्लांट जो कटिंग्स ले रहे हैं उस कटिंग्स का भी ध्यान देना है। अगर ऐसा प्लांट है जिसका आप केवल जो है टिप्स ले लिया, मतलब इसका ये जो थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन ले लिया आप कटिंग्स डाल दिया, तो फिर वो पौधा मतलब जो कटिंग्स है वो लगता नहीं है। तो इसीलिए कटिंग्स लेना भी मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे मतलब उसका कटिंग्स लें और कैसे उसको ग्रो करें। तो जैसे ये मेरीगोल्ड का है तो मैं कटिंग्स लेता हूँ इसका, तो आप इसको छोटे से छोटा कटिंग्स भी मतलब कहना आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो मैं दिखाने के लिए मतलब ये जो है मैंने कटिंग्स ले लिया और इसको जो है ऐसे ही मतलब आप सॉइल में ऐसे डाल दीजिए, मतलब इसको जो है ऐसे करके डाल दीजिए, तो ये कटिंग्स जो है आपका लग जाएगा। तो और जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये देखिए जो हार्ड पोडिंग किया, ये देखिए ये जट्रोफा का है, तो आप इसको कटिंग्स आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए इसका स्टेम जो है ये थोड़ा सा हार्ड है, और इसको आप जैसे यहाँ से मतलब आप 2-3 कटिंग्स जो है आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों कटिंग्स लेने के टाइम आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, ये जो 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 भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप कटर हो या तो नाइफ हो या तो आप ब्लेड भी ले रहे हैं, तो उसको आप स्टेरिलाइज कर लीजिए। एक तो जो है वो सार्फ होना चाहिए, दूसरा जो है वो कोई भी जर्म्स फ्री होना चाहिए, तो उसको स्टेरिलाइज कर लीजिए तो अच्छा है, कटिंग्स जो है आपका मतलब कहना सेफ रहेगा। इसी में जो है आप 2-3 कटिंग्स डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से एक कट कर देता हूँ, यहाँ से एक कट कर देता हूँ, देखिए, और ये देखिए ये 3 पोर्शन हो गया, ये 3 पोर्शन का जो है कटिंग्स आप इसको 3-3 जो है इसमें से कटिंग्स आप डाल सकते हैं। इसका जो पत्ता है लीव्स को जो है इसको निकाल दीजिए, लीव्स को मतलब 2-3 ऊपर का छोड़ के बाकी सब लीव्स निकाल दीजिए, और इसको जो है सॉइल में डाल दीजिए ऐसे, तो ऐसे करके आप सॉइल में डाल दीजिए बस, तो आप इसका जो है कटिंग्स हो गया, ये कटिंग्स लग डाल दिए, तो मतलब एक पौधा मतलब आपका तैयार होने वाला है कटिंग से। तो दोस्तों ऐसे ही है जो कि मैंने आपको समझाया, जो एक है पिंचिंग, दूसरा जो है प्रूनिंग, प्रूनिंग में भी मतलब हार्ड प्रूनिंग एंड सॉफ्ट प्रूनिंग होता है, और जो कटिंग्स डालना है जो कि पौधे को जो है मल्टीप्लाई करना कैसे करना है वो मैं आपको बताया। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू दोस्तों।